सुप्रभात बच्चों, आज हम धर्म शिक्षा में पाठ 3 ओम की महिमा के बारे में जानेंगे। जैसे कि बच्चों, पाठ 2 में हमने पढ़ा है कि ओम भगवान का अपना नाम है और इसके 3 अक्षर हैं। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि ओम की महिमा क्या कहती है। ओम ही जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ओम ही हमारा प्राणाधार है, मतलब ये प्राणों की आधार है हमारी परमात्मा। ठीक है, ये भगवान ही है जो हमारे हर दुख को खत्म कर सकते हैं। आगे कहता है ये, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म हो में होगी लगन, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मोक्ष तक पहुंचाएगा। तो बच्चों, इसका अर्थ यही है कि ओम को हमें गुरु मंत्र मान लेना है और इसका निरंतर जप करना चाहिए, जिससे कि हमें मोक्ष प्राप्त होगी। तो बच्चों, अब हम नीचे लिखे शब्दों में से प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, ओम किसका पूज्य है? ओम हम सबका पूज्य है। दूसरा, ओम के जप से हमारा क्या बढ़ता जाएगा? ओम के जप से हमारा बुद्धि बढ़ता जाएगा। तीसरा, ओम के ध्यान से हम अपना क्या शुद्ध करें? ओम के ध्यान से हम अपना मन शुद्ध करें। चौथा, ओम जाप से दिन प्रतिदिन क्या बढ़ेगी? ओम जाप से दिन प्रतिदिन हमारा ज्ञान बढ़ेगा। पांचवा प्रश्न है, अंत में हमें मुक्ति तक कौन पहुंचाएगा? अंत में हमें मुक्ति तक ओम ही पहुंचाएगा। तो बच्चों, इस प्रश्नोत्तर को कंठस्थ करें और लिखें भी। धन्यवाद।